वॉशिंगटन नाइट शो विद आसिम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेजबान आसिम सिद्दीकी। और आज हमारे साथ जो हैं जबरदस्त रिजवान मौज़म अली खान और रिजवान खान जो है मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी नाम में दोबारा? रिजवान मौज़म अली खान इकट्ठा बोलेंगे तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, रिजवान मौज़म अली खान हमारे साथ मौजूद हैं और ये देखें आपके वो वहां चाय पी रहे हैं और मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ। ये एक बहुत चले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वॉशिंगटन नाइट में आने का। वॉशिंगटन नाइट यहाँ नॉर्थ अमेरिका का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम बनता जा रहा है, पिछले 5-6 साल से कंटिन्यू है। और आजकल जो है कोरोना के उसमें मुझे नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट डेली कर रहा हूँ ये प्रोग्राम, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से जो एक लाइफ में ठहराव आ गया है हर शख्स को। जैसे मैंने अपने पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि इंसान को अपनी औकात नजर आ गई है कि वो है क्या, कि और स्पेशली जो आर्टिस्ट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसको उसका जो डेली रूटीन होता है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट होता है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप दोनों मुझे ये बताएं कि एज ए आर्टिस्ट लास्ट 3-4 महीने जो हैं वो आप लोगों ने, आपके मुद्दाओं ने, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो किसी को मना नहीं कर सकता कि गले लग रहे हैं या हाथ मिला रहे हैं, ये तो वो सोच भी नहीं सकता एक आर्टिस्ट। तो इस दौरान जो है वो बड़ा मुश्किल होता है कि अपने मुद्दाओं को जो है करीब आने से रोक दे, नहीं 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 प्लीज गले नहीं लगो या मास्क पहनो या हाथ नहीं मिलाओ। कैसा फील कर रहे हैं लास्ट 3-4 महीने से आप लोग? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, मैं हूं मौज़म अली खान और आपका आसिम भाई और आपके चैनल का पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमें मौका दिया। और दूसरी चीज, सबसे पहले जो आजकल दुआ है वो सिर्फ कोरोना के खात्मे के लिए, हर वक्त इसी चीज में हम लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त जो जो लोग जिस जिस रिलीजियस में के साथ उनका ताल्लुक है तो वो सभी लोग दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह के हजूर पेश हैं ताकि इसका जल्द अज जल्द, इस बीमारी का, इस वबा का खात्मा हो। और जिस तरह आपने अभी कहा कि बड़ी मुश्किल होती है, 3 माह से तो हम लोग अपने घरों में हैं और इसका आप यकीन करें कि हमें बहुत एक सदमा है, इस हवाले से नहीं कि हमारा ये बिजनेस है, हमारा जरिया मुआश है, इस हवाले से नहीं, नहीं हम लोग जिस तरह अपने लोगों से, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो अपनी पब्लिक के लिए होता है, बिल्कुल लोगों के लिए होता है, क्योंकि आर्टिस्ट उसको बनाया भी लोगों ने होता है अल्लाह के फजलो करम के साथ, फिर लोग उसके साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और लोगों के साथ जो उसका मेल मिलाप होता है, मिलना जुलना होता है, गले लगना, हाथ मिलाना, तो आजकल तो बिल्कुल ही हम लोग कट ऑफ है, जिसका हमें बहुत सदमा है इस चीज का और बड़ी तकलीफ है कि हम बिल्कुल अपने लोगों से बिल्कुल कट ऑफ होके रह गए हैं। यही एक जरिया जिस तरह आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं आपके साथ बातचीत हो रही है ताकि लोगों तक पहुंचे, तो यही फिलहाल तो एक रابطہ रह गया है इस तरह लोगों के साथ, हेलो हाय हो, अहवाल पूछे जाएं एक दूसरे के, तो फिलहाल तो हम लोग बिल्कुल अपने घरों में हैं और कुछ अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में लोगों के साथ अटैच हैं कि लोगों के साथ इस तरह भी हम लोग अपनी परफॉर्मेंस शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली खान और आसिम भाई आपका और पूरी टीम का और जितने लोग हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं सबका हम बहुत शुक्रिया अदा तहे दिल से करते हैं। और हमें पिछले 3 माह से ये बड़ी कमी फील हो रही है क्योंकि हम भी घर अपने घरों में मैसूर हैं, सब लोग अपने अपने घरों में मैसूर हैं, ये एक वबा है और बड़ी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर सकें और हम अपने लोगों में आके उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें लाइव। और जहां तक मिलने का है कि जाहिर बात है कि आर्टिस्ट जो है वो पब्लिक के लिए ही पैदा हुआ है,
और पब्लिक ने ही उसे पसंद करके प्यार करके उसे एक आर्टिस्ट बनाया है, और बड़ा दिल करता है कि उनके साथ बैठें, उनको मिलें, उनको गले लगाएं, वो हमें प्यार करें, हम उन्हें प्यार करें। तो इस चीजों को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, और दुआ ये है कि जल्द जल्द से जल्द ये वबा खत्म हो ताकि हम अपने लोगों तक पहुंच सकें और उनसे अपना अपनी अपनी परफॉर्मेंस जो है उनके साथ उनके सामने बैठ के पेश कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आप दोनों ने। मैं चाहता हूं कि अभी क्योंकि वैक्सीन तो कोई आई नहीं है, और हमारे मतलब स्पेशली पाकिस्तान या साउथ एशिया कंट्रीज में जो है वो हर चीज को बहुत हल्का ले लिया जाता है, जबकि आप देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं इस वक्त जिस हालात हैं, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं इसलिए उन्होंने शायद संभाल लिया है, लेकिन हमारे मुल्कों में शायद अभी तक शायद उस तरीके से सीरियस नहीं लिया जा रहा है इसको जिस तरीके से लेना चाहिए। तो हमारे वजीर आजम भी कभी बिल्कुल हल्के नजर आते हैं, कभी तेज नजर आते हैं। आज उनका बयान आया कि जी वाकई मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। अब आर्टिस्ट जो है ना उसका कोई बॉर्डर नहीं होता, वो पूरी दुनिया के लिए ओपन होता है। इट्स नॉट नेसेसरी के लैंग्वेज, आर्टिस्ट जो है ना उसमें लैंग्वेज भी बीच में नहीं आती। बार दफा हम ऐसे गाने सुन रहे होते हैं जो फ्रेंच में होते हैं, लेकिन म्यूजिक अच्छी होती है, बोलने की अदायगी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन जो आपका जो दिल से आप जो अदायगी कर रहे होते हैं वो दूसरे के दिल को टच कर रही होती है। और इसीलिए कहते हैं कि म्यूजिक जो है ना वो आपकी रूह की गिजा है। ये ऐसे ही नहीं कह दिया गया, ये इसका एक पीछे बड़ा मकसद है। तो मैं चाहता हूं कि और आप जी बोले। बिल्कुल जो सूफी म्यूजिक है ना आसम भाई, वो उसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है। बिल्कुल वो जो परफॉर्मेंस जितने भी हमारे सूफी सिंगर्स हैं उनको आप देखें ना, तो उनकी जो लोगों के साथ, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट आर्टिस्ट के साथ और आर्टिस्ट की इन्वॉल्वमेंट लोगों के साथ, क्योंकि अगर लोग लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर रहे तो वाकई ही उसकी अदायगी में वो चीज अल्लाह की तरफ से वो बयान हो जाती है उससे। बिल्कुल जहां तक ये हमारे हमारे वजीर आजम या हमारे मुल्कों के हमारे जो कानून है यहाँ के, देखें एक चीज, मैं सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है बड़ी कि देखें ये वो एक पर्शियन में एक छोटा सा एक मुहावरा है कि आप जिंदम जहान जिंदम, अगर हम जिंदा हैं तो जहान जिंदा है। और हमें अगर सोशल डिस्टेंस का बताया गया है, हमें अपने आप को साफ सुथरा रखने का बताया गया है, हमारी हुकूमत हमारा कानून हमें ये खुद चाहिए कि हम एक दूसरे से चंद अरसे के लिए, ये ना हो कि अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, हमेशा के लिए चंद अरसे के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए अगर एक दूसरे से हम थोड़ा डिस्टेंस रख लें, अपनी फैमिली से, अपने अपने घरों में रहें, अपने बच्चों में रहें, बाहर ना जाएं, कोई जरूरियात की अशिया है आप ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, खुद को सेव करें, सैनिटाइज करें, ये बहुत अच्छी चीज है और सबको इस चीज का ख्याल करना चाहिए। हुकूमत सिर्फ ऐलान करती है, उस पे अमल दरामद करना हमारा काम है। हम बिल्कुल वो लोग हैं जिन्हें हमारी तरफ देख के शायद कोई दूसरा भी हमसे हमारा ख्याल कर ले, इसी तरह ये वायरस खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपने भी सही कही कि रूहानियत जो है ना, यही वजह है कि आप देखते हैं जब आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वही लोग सुन रहे हो जो आपकी जबान समझते हो। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो कि आपकी जबान नहीं समझते, लेकिन वो आपकी रूहानियत से फायदा उठा रहे होते हैं, आपकी जो अदायगी है उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि कई इंग्लिश या पर्शियन या दूसरी लैंग्वेज में आप देखें जो रूहानियत है, इवन आप हम कुरान शरीफ की तलावत कर रहे होते हैं तो वो एक रूहानियत है, मतलब वो एक आप मतलब उस अच्छी तलावत जो है वहां रुक जाते हैं लोग कि नहीं इसको कंप्लीट होने दें सुनने। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि आजकल जो आप रोजमर्रा की लाइफ है उसमें कुछ आप लोगों की प्लानिंग है कि चलो इसमें कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। आई नो के रिकॉर्डिंग करना इज नॉट इजी, उसके लिए एक पूरा साउंड सिस्टम चाहिए, एक पूरा इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन कोरोना ने शायद, मेरा ख्याल है कि दुनिया में हर शख्स को शायद ये सिखा दिया कि एक छोटे महदूद जगह पर, महदूद आपके पास चीजें हों उसमें किस तरह सरवाइव किया जाता है। तो
तो हमने देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट जूम पे आए, जूम पे उन्होंने परफॉर्मेंसेस करनी शुरू की, इवन उनके लिंक जूम पे बिकने लगे। अगर अमेरिका में $10 का एक लिंक बिके और आपके पास 250 लोग आपको जूम पे देख रहे हैं, तो ये भी एक नई इन्वेंशन है, नई नया तरीका है, क्योंकि मैं जी बल्कि आसिम भाई मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, शायद कुछ लोग मेरी बात से मुत्तफिक हों और शायद ना हो। कोरोना ने हमें नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन हमें कुछ सिखाया भी है। तो इस चीज से अगर हम लोग कुछ सबक हासिल करें, तो मेरे ख्याल से हर चीज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री जितनी भी है वो कोरोना की वजह से तबाह हो चुकी है इस वक्त, ये जो हालात जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह अभी आपने बात की कि लिंक्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं, वाकई इससे काफी सारी चीजें सामने भी आ रही हैं, जो कि हम भी इसमें हम लोग भी इस तरह काम करना शुरू हो रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज कि वाकई ही कि हम लोग ये जो टाइम गुजर रहा है अपने घरों में है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग्स कर सकें, लेकिन रिकॉर्डिंग्स जो है वो अपनी जगह, लेकिन एक जो परफॉर्मेंस है लोगों के सामने बैठ के परफॉर्म करना या लोगों के सामने परफॉर्म करना, वो उसका एक अलग से मजा है, और लोगों को जो फीलिंग आती है वो एक अलग सी है। बिल्कुल और आप खुद को इंसान का ना, जैसे हम 5 मिनट का गाना है या 10 मिनट की कवाली है या 15 मिनट की कवाली, वही कवाली आप 30 मिनट्स की परफॉर्म करें तो आप उसको फील कर सकते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें कितनी है, बिल्कुल लोगों की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ये परफॉर्मेंस और रिकॉर्डिंग से, क्योंकि जो कनेक्शन है ना, लाइव कनेक्शन वो कुछ और है, बिल्कुल ये लाइव कनेक्शन इसमें तो बिल्कुल कट ऑफ है। बिल्कुल आप देखें कि जो लाइव कनेक्शन है, गुलकार हो, अदाकार हो, शोबिज से ताल्लुक रखने वाले हो, उनको उनकी ऑडियंस उनकी जान होती है, और जी जो बिल्कुल ऑडियंस होती है वो आप लोगों का आप रोल मॉडल बनाया हुआ होता है, आप लोगों को चाहते हैं, आप लोगों को पसंद करते हैं, और कुछ लोग तो मतलब बहुत ज्यादा जो है आप लोगों को चाहते हैं, तो उस जी दरमियान बिल्कुल अब लाजिम बात है कि ये जो गैप आया है इसको किसी ना किसी से तो फिल करना है, या तो रो के कर लें या हंस के कर लें। अब मसला ये इसी है चीज को कि आप लोग जो जी है ना, आसिम भाई, इन्हीं चीजों का ख्याल करते हुए हम लोगों ने जो ये जो इंटरनेट पे लाइव परफॉर्मेंस का एक नया तजर्बा आर्टिस्टों ने शुरू किया है, इन हालात में मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतर है, ताकि अपनी ऑडियंस से वो जुड़े रहें, आर्टिस्ट अपने लोगों से अपने हल्का अहबाब के साथ उनकी अटैचमेंट रहे। इन्हीं चीजों को देखते हुए लाइव परफॉर्मेंसेज जो नेट पे इंटरनेट पे हम लोग बिल्कुल जो है वो अभी मैं लेंगे एक आपका नया देख रहा था कि तजर्बा आई फॉर है, ये आर्टिस्ट अल्लाह करे ये ज्यादा देर तक ना हो, ये हमारी दुआ है, ये ज्यादा देर बिल्कुल तक ना हो, जल्दी बिल्कुल खत्म हो, हम लोग अपने लोगों में जाकर बैठकर उन्हें सुनाएं, ये हमारी दुआ है। अभी मैंने आपसे बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, तो आई फॉर आर्टिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, मैं चाहूंगा उसका भी थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये क्या चीज़ है। जी बिल्कुल आसिम भाई, वो हम लोगों ने जो हमारे पाकिस्तान में बिलखुसूस हमारे फैसलाबाद में हमने यहां से शुरू किया उसको, अपने जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे कवाली के जितने ग्रुप्स हैं उनके लिए हम दोनों भाइयों ने एक कॉज लेके शुरू हुए हैं, जिसका नाम हमने आई फॉर आर्टिस्ट रखा, ताकि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। हर इंसान अपने लिए जीता है इस दौर में, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम लोग दूसरों के लिए भी जी सकते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो लोग जिस तरह से कि जैसे हमारे ग्रुप में हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, हमारा पूरा ग्रुप जो है वो 20 लोगों पे है मुश्तमिल, तो हम लोग रिजवान भाई मैं या मेरे भाई दूसरे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं अपनी इनकम के हिसाब से, लेकिन वो लोग हमारे साथ जाएंगे परफॉर्म करेंगे तो उनको कुछ मिलता है। बिल्कुल हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग ये एक जिस तरह हम डोनेशन इकट्ठी करें अपने ग्रुप के लिए नहीं, जितने हमारे फैसलाबाद में जो ग्रुप लोग हैं, जो लोग जो आर्टिस्ट बहुत जैसे ज्यादा नहीं साइड फेम हारमोनियम है। प्लेयर हैं और कोरस मैन है, तबला प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनके लिए जितने भी बाकी दूसरे लोग हैं या बाकी आर्टिस्ट जितने हैं
उनके लिए हमने ये आई फॉर आर्टिस्ट स्टार्ट किया और ये स्टेप लिया कि हम उन लोगों के लिए कुछ कर सके। इसके लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम आपके साथ करेंगे जिसमें मैं चाहूंगा कि आपके साथ प्रोग्राम भी करें और उन लोगों को भी सामने लेकर आए जो आपके साथ हैं और आपका मकसद क्या है और फिर उसको इंटरनेशनली भी हम उसको चलाएं। अगर आपको दूसरे बाहर से मुल्कों से भी कोई हेल्प हो सकती है इस ग्रुप के लिए, क्योंकि फैसलाबाद बड़ा खूबसूरत शहर है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आसिम भाई हम लोगों ने ये चीज सोची है कि जितने हमारे दूसरे आर्टिस्ट हैं फैसलाबाद में जो नॉन फेम है, जो जिन्हें लोग नहीं जानते, जो कोर्स मैन है, जो इन हालात में सरवाइव नहीं कर सकते, हम लोग पर्सनली उन्हें कर रहे हैं। ये मैं बात बताना नहीं चाहता था लेकिन क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम लोग पर्सनली उन्हें उनके लिए कर रहे हैं जो हमसे हो सकता है उनकी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि फाइनेंशियली कर रहे हैं। रिजवान भाई बता रहे हैं आपको कि कारोबार बाकी जिन लोगों के जिस तरह से दुकानें हैं, मॉल्स हैं, ये खुलना शुरू हो गई है, लेकिन कवाली का कारोबार जो है जिन लोगों को, जैसे हमारा बेसिकली हमारा बिजनेस यही है, हमारा कोई और बिजनेस नहीं, हमारा बिल्कुल ये बंद है। तो इस तरीके से हमने ये सोचा कि क्या आई फॉर आर्टिस्ट हम लेके शुरू हूं, लोगों की हेल्प हमें मिले, लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम उन लोगों के लिए कुछ कर सकें जो इस वक्त अपने घरों में मैसूर हैं, बिल्कुल घरों में बंद हैं, उनका कोई और जरिया मुआश ही नहीं है। हुकूमत ने आर्टिस्टों के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट तो तभी उनके पास इनकम आएगी जब वो कहीं परफॉर्म करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, तब वो अपने घर में अपने बच्चों में सरवाइव कर सकेंगे। अगर वो पिछले 3-3.5 माह से अगर घरों में मैसूर है तो इसका मतलब उनके पास वो फाइनेंशियली वो सरवाइव नहीं कर सक रहे। हमने मिलकर ये कोशिश, जितने अपना हल्का अहबाब है, जितने हमारे जानने पहचानने वाले लोग हैं, जितने हमारे अब्रॉड में पाकिस्तान से बाहर जितने भी जानने वाले हैं, उन्हें हमारे फैंस जितने हमने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि हमारे लिए नहीं, वो जो लोग जो मुस्तहिक हैं, मुस्तहिक आर्टिस्ट हैं, जो किसी को नहीं कह सकते, जो हुकूमत उन तक नहीं पहुंच सकी, हम उनके लिए कर रहे हैं कि थोड़ा कर सके, ज्यादा कर सके, बल्कि आप लोगों को साथ मिला के आसिम भाई हम लोगों ने यहां तक ये चीज लेके गए हैं कि जो लोग फंडिंग करना चाहते हैं या कर सकते हैं, हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने हम लोग कर भी रहे हैं, अपने फैन पेज से कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इसलिए ताकि हम उन लोगों तक उनका जो बुनियादी हक है वो उन तक पहुंचे, और इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे भी। ये सिर्फ हमने स्टार्ट फैसलाबाद से किया, इसको लेके हम पूरे पाकिस्तान में निकल रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैं आपको बात बताऊं, फैसलाबाद में जा चुका हूं, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने बड़ी बैडमिंटन खेली है, हॉकी खेली है, तो बड़े अच्छे एक फैसलाबाद से ताल्लुक है रहा है। एक हम नाम आसिम दोस्त भी बना मेरा, अब मुझे नहीं पता है, मैंने सुना है कि वो डॉक्टर बन गए लेकिन अब पता नहीं कहाँ है, शायद इस प्रोग्राम के तवज्जो से वो हमें कांटेक्ट कर ले। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि आज की दुनिया जो है ना वो अब जो है चेंज हो गई है। अगर आप लोगों को देखें, इस वक्त मैंने अभी किसी एक और प्रोग्राम में कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि 500 से 2500-3000 डॉलर मंथली बड़े आराम से बना रहे हैं यूट्यूब, जो कि इवन जो कर रहे हैं। और आप लोगों की जो परफॉर्मेंसेस हैं मैंने देखा है कि आप लोगों को शायद खुद भी नहीं पता कि आपके कवाली से कोई और यूट्यूब पे पैसे बना रहा है, कवाली आपकी। मुझे आप यकीन करें, मैंने एक राहत अली खान साहब की कोई 5-7 मिनट की वीडियो अपने किसी शो का हिस्सा बनाया था तो मेरे पे पाबंदी लग गई थी के यूट्यूब की तरफ से नोटिस आ गया था। उसकी वजह यह है कि वो लोग पैसे बना रहे हैं, उनको पता चल गया है कि जी हमारे जो है ना मतलब उन्होंने, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को एजुकेट करें, नए सिंगर्स को, आप लोग खुद इतने जबरदस्त मतलब परफॉर्मेंसेज हैं आपकी, अगर आप यूट्यूब को जरिया वो बनाएं, क्योंकि अभी आइंदा साल कुछ नहीं पता। और मैं आपको बताऊं, हमारी हेल्प आपके लिए, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए,
आसिम भाई, हम लोग भी इसी तरह से हमने अपना स्टार्ट किया कि यूट्यूब चैनल से कि जो इनकम आएगी वो इनकम हम सिर्फ से अपने लिए नहीं रखेंगे, हालांकि वो हम परफॉर्मेंसेज हमारे ही हैं, लेकिन हमने इस चीज को ये सोचा है कि जो लोग मुस्तहिक हैं, जिनका हक बनता है, उनके लिए वो चीज कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्यों कि लोगों के बिजनेस और भी हैं, जैसे और आर्टिस्ट हैं उनके और बिजनेस भी हैं, जो लोग इस काबिल नहीं है कि वो और बिजनेस कर सकें, वो एक बिल्कुल ग्रुप मेंबर की तरह, वो ग्रुप कोई किसी शो पे जाएगा, किसी परफॉर्मेंस के लिए जाएगा, तो वो उनको उस उनके पैसे मिलेंगे, उनका कारोबार सिर्फ यही है। अब वो मुस्तहिक हैं इन हालात में, तो हमने ये स्टेप लिया जो है ना, वो सिर्फ इसलिए लिया है, ये लाजमी नहीं है कि उसमें सिर्फ जो सिंगर्स हैं उनके लिए, नहीं, जितने भी मुस्तहिक लोग होंगे हमने उनके लिए ये स्टेप है, ये आई फॉर आर्टिस्ट, ये सबके लिए, ये किसी एक के लिए नहीं है, हमने इसको इंशाल्लाह ताला, और आप हमारा दुआ हमारा प्लेटफॉर्म जो है करेंगे, आप इसी तरह, आप लोग मीडिया की वसादत से अगर आप हमारा साथ दें तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप हमें बोले, हम चैरिटी के लिए हम फ्री परफॉर्मेंस इंशाल्लाह जरूर देंगे आपको। नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल हाजिर है। हम आपको यहाँ प्रमोट भी करेंगे, हम आपका यूट्यूब चैनल भी प्रमोट करेंगे। मेरे पास कुछ फेसबुक हैं जिसमें हजारों पाकिस्तानी अमेरिकन लोग हैं, हम उनपे प्रमोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला जो है वो जो आपने काम शुरू किया उसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि जो आप जैसे लोग हैं, आप लोगों की जो थिंकिंग है वही इस माशरे का एक पॉजिटिव इमेज है। अगर आप जैसे लोग ज्यादा हो तो एक अच्छा पाकिस्तान नजर आएगा, कम हो तो हम इंशाल्लाह क्रिटिसाइज करते नजर आएंगे कि जी हमारे वजीर आजम ने कुछ नहीं किया। यस, बिल्कुल, वजीर आजम पे भी मुश्किल टाइम है इस वक्त, लेकिन अगर वो अच्छे सब टाइम पे कुछ कर लेते तो आज इस मुश्किल टाइम पे बहुत कुछ उनसे और भी कर सकते थे। लेकिन असल में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखें आसिम भाई, वजीरे आजम किसके लिए है? पब्लिक के लिए, ठीक है, तो पब्लिक को उनकी बात भी माननी चाहिए। फिर मैं इसलिए नहीं कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं, मैं कारकुन हूं, नहीं, बिल्कुल एक आम शहरी, मैं पाकिस्तानी हूं सबसे पहले। जितने भी इससे पहले जितने लीडर आए वो भी हमारे लीडर थे, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी हमारे लीडर है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब है, उनसे पहले बेनजीर थी, ये सब हमारे लीडर हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी है। इमरान खान जो है वो भी पाकिस्तानी है, वो भी हमारे लीडर है, और हम सब पाकिस्तानी नहीं, चले हम इसको सबसे चेंज पहले। करते हैं, टॉपिक को चेंज करते हैं, क्योंकि वो इनके पास शुरू हो गया, क्योंकि वो आपको पता है कि वो इमरान खान पे कोई चीज शुरू हो जाए तो फिर घबराना नहीं है, काम सही रखना है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही मेरे है। कहने का ये मतलब है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं लोगों को कि लोगों ने एहतियात नहीं की, तो वाकई ही नहीं की लोगों ने एहतियात, हमें एहतियात करनी हमें चाहिए। एहतियात करनी चाहिए। गवर्नमेंट का काम ये है कि लोगों को इतला देना कि यार अपने अपने आपको संभालो, और जो गवर्नमेंट ने फंड लोगों तक पहुंचाए हैं ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, लोग पहले ऐसा भी हुआ ही नहीं कि लोगों तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसा किया हो। सर, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका की बात बताऊं कि यहाँ पे जी लॉ एंड ऑर्डर जब सिचुएशन आई तो कई स्टेट में बाकायदा गवर्नर ने लॉ बनाया कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो $500 जुर्माना होगा, अगर आपने सोशल डिस्टेंस नहीं रखा तो इतना, और उस पे कानून नाफिज करने वालों ने सख्ती की। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात है। थर्ड वर्ल्ड जी जी कंट्री में बिल्कुल अगर हम ये बात कहें कि जी ये तो एक बुखार है, आएगा और चला जाएगा, उसके बाद कहें कि नहीं जी ये तो बहुत सख्ती बात है, तो हमें ऐसे मौकों पे मुल्लाओं को नहीं बिठाना चाहिए बल्कि डॉक्टरों की टीम बना के उनसे डिसीजंस करवाने चाहिए। वजीर आजम कहे बिल्कुल नॉट माई डोमेन, ये डॉक्टरों का वो है, ये फैसला करेंगे कि लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, ये फैसला करेंगे कि इस वक्त कितनी एहतियात करनी चाहिए। खैर, ये इसको टॉपिक को छोड़े, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन अब तो थोड़ा सा कुछ बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है इस कोल्ड वॉर से निकल के, क्योंकि पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आप जो है कुछ पेश करें, ताकि हम भी जो है
घरों में बैठे हुए, हम भी बाहर नहीं है, यहाँ पे भी लॉकडाउन ही है, अब खुल गया है, अभी खुला है कल से, लेट्स सी के क्या होता है। जितने भी सुनने वाले घरों में बैठे हैं, हम उनको लाइव सुनाने के लिए हर वक्त तैयार है। वेरी गुड, नहीं है बिल्कुल, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और मैं आपका कोशिश करूंगा कि एक लाइव वो भी यहाँ पर रखूं, जिससे लोगों के साथ आप पूरे आधा घंटा एक घंटा किसी वीकेंड पे जाए ना, बिल्कुल जी जी इंशाल्लाह। तो कुछ कुछ हमें अगर कुछ गुनगुना दे हमारे नाजरीन के लिए, वैसे तो हम नाजरीन आपको कुछ चीजें इनकी दिखाएंगे प्रोग्राम के एंड में, जो परफॉर्मेंसेज हैं इनकी टॉप परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ अभी सुनाएं। जी मैं आपको अभी थोड़ा सा सुनाता हूँ, क्योंकि अभी तो इसी तरह हम लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो... अरे सर वो कहते हैं ना कि जो जो आप लोगों के गॉड गिफ्टेड चीजें वो आम आदमी के पास नहीं है। आप इसीलिए तो मैं आपको ये थोड़ा सा अपने हारमोनियम के साथ ये हमने कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया था, वो ही मैं थोड़ा सा आपको सुना रहा हूं। जी आसम भाई जी बहुत जबरदस्त, ये जो अदायगी है, मतलब मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि बचपन से ही इस चीज का शौक था या किसी खास उम्र में आके हुआ या बस एकदम, मतलब खैर आपकी लाइफ का तो मुझे तो पता है, मैं चाहूंगा हमारे नाज़रीन को बताएं आप। असल भाई ऐसा है कि जो हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, आई वॉज 9 ईयर ओल्ड, रिजवान भाई 11 ईयर ओल्ड, बचपन से ही हमने इसको स्टार्ट किया और कुछ चीजें जैसे ब्लड में भी होती हैं, हमारे खानदान से ये चीज चली आ रही है, तकरीबन 600 साल से हमारा खानदान फने मौसीकी की खिदमत करता आ रहा है। तो उस मेरे दादा उसाफ फतेह अली खान, मुबारक अली खान, उसानुसुफ फतेह अली खान, मुजाहद मुबारक अली खान, फिर राहत फतेह अली खान, फिर हम, मतलब ये इस पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह चली आ रही। बचपन से ही हमें शौक था, बचपन से ही हमने अपने घरों में म्यूजिक सुना, अपने वाले साहब को देखा, अपने चाचा उसानुसुफ फतेह अली खान साहब को देखा, फिर हमें हम शौक पैदा हुआ। तो इस तरह से म्यूजिक के साथ लगाव हुआ, स्कूल में परफॉर्मेंसेस दी और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम प्रोफेशनली इस काम को हमने शुरू किया। फिर अपने फादर उस्ताद मुजाहद मुबारक अली खान से हम लोगों ने प्रॉपर सीखा। फिर उनकी डेथ के बाद 96 में उनकी डेथ हुई, 96 में फिर हम लोगों ने बाकायदा अपने चचा उस्ताद नुसरत अली खान साहब की शागिर्दी की, उनसे सीखा। 97 में उनकी डेथ हुई है खान साहब जी की,
तो उसके बाद फिर हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रैक्टिस में लेकर आए और इसे सीख आज तक हम लोग सीख रहे हैं। जहां से भी हमें अच्छा म्यूजिक मिलता है, जहां से सुनने को अच्छा मिलता है, हम उसे अडॉप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं। अच्छा, मैं बस प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैं चाहूंगा कि इस कोरोना के जो दौर है इसको तो एक दौर ही कहा जाएगा, 2020। वो कहते हैं जो डर गया समझो वही बच गया, सही तो चेंज हो गया है इसका जो डायलॉग था। तो 2020 के कोई, मैं चाहूंगा कि आप हमारे सामीन, हमारे लोग और अपने लोगों से कोई मैसेज देना चाहें, पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी, या जो उर्दू जबान समझते हो, जो जो म्यूजिक को समझते हो, कोई मैसेज आप दोनों जो है क्लोजिंग रिमार्क्स अपने प्लीज मुझे दें। सबसे पहले तो ये है कि जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक हदीस कोट करूंगा कि जो कि हमारे नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान है, लोगों को सबसे पहले अपनी जिंदगी से प्यार करना सीखना होगा। जिन लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार है उनको दूसरों की जिंदगियों से भी प्यार होगा। जबरदस्त, आज और ये है कि जब आप अपने लिए सोचें तो दूसरों के लिए भी सोचें। हमें सबसे पहले इस चीज का एहतियात करना है अपने लिए और सबके लिए, जो हमें कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंस अपना ख्याल रखें या अपने घरों में रहें, तो ये बहुत जरूरी है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हालात कुछ इस तरह से है कि हमें अपने आप को और बाकी जितने लोग हैं सबको महफूज रखना होगा, एहतियात करनी होगी, अपने घरों में रहें, महफूज रहें, कारोबार जो है वो इंशाल्लाह जिंदगी होगी तो वो भी चलेंगे। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां जहां भी लोग बस रहे हैं, सबसे ये हमारी इल्तमास है कि अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं जब तक ये वबा है। फिर इंशाल्लाह मैं वो पहले कह चुका हूँ कि हम जिंदा हैं तो जहान जिंदा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, ये वबा अल्लाह से दुआ है, बहुत जल्द खत्म और हो जाएगा। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि हम जब दोबारा मिलें तब तक इसका खात्मा हो चुका होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल। नाजीन, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। और जहाँ तक हम, क्योंकि मुसलमान हैं तो 5 टाइम वैसे भी वजू जो है वो हमें साफ रखता है, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि अब आप कोशिश करें कि अगर आप बाहर निकलते हैं, इवन घर में भी रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने आप को क्लीन रखें, अब जो जो बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें। ये थोड़ी सी दूरियां जो हैं ये शायद आपको हमेशा उनके साथ, जब तक उनकी जिंदगी उनके बिल्कुल साथ रखे। लेकिन आजकल जो स्पेशली पाकिस्तान के हालात हैं, कोशिश करें कि ऐसी कोई ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि अस्पताल जो हैं वो पूरे फुल हो चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। तो घर में जो है अपने बुजुर्गों की हिफाजत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, और कोशिश करें जरूर इसको पूरी तरह निभाएं। थोड़ा सा जो है डिस्टेंस रख के अगर आप उनकी जान बचा सकते हैं तो बिल्कुल बचाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनन हम आपके साथ किसी वीकेंड पे जो है एक जबरदस्त प्रोग्राम रखेंगे और पहले से बता के रखेंगे, ताकि लोग जो है पूरी दुनिया से, अब तो हम ये एक सिस्टम ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोग हमें सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल अब लाइफ एक ऐसी चेंज हो गई है कि आप ये नहीं, एक एक मखसूस लोग आपको नहीं सुन रहे होते, आपको खुद पता नहीं होता कि आपको लोग कहाँ कहाँ सुन रहे होते हैं। आसिम भाई, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि कोरोना से, कोरोना ने डरना तो सिखाया लेकिन कोरोना ने और कुछ भी बहुत हमें सिखा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नाजीन, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत मजा आया, और मुख्तलिफ टॉपिक पे हमने बात की, और जो इनके गॉड गिफ्टेड जो इनके पास अल्लाह ताला ने जो इनको आवाज दी है, और मैं चाहूंगा कि अब जो है ये सोशल मीडिया पे जो है एक्टिव हो, अब सोशल मीडिया का जमाना है, और यकीनन हम जल्दी ही इनका कोई प्रोग्राम अरेंज करके आप लोगों के साथ आएंगे। उस वक्त तक आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने का, और थैंक यू सो मच सर, आपका और आपकी पूरी टीम का थैंक थैंक यू। यू सो मच। तो अल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलते हैं दोबारा। थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू। वॉशिंगटन नाइट शो विद आसिम सिद्दीकी।